मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसी मिसाल है, वो आदमी एक ऐसी मिसाल है जिसके बारे में जान के आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि इस शख्स ने अपनी जायदाद के 5 करोड़ रुपए 2 हाथियों के नाम कर दिए हैं। चलिए पूरे मामले के बारे में आपको बताते हैं, पूरी अपडेट देते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होने वाली है। और इस इंसान के बारे में आप क्या तारीफ करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में तारीफ जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम किया है। पूरी अपडेट आपको देंगे, थोड़ी पिक्चर के जैसी ये कहानी है, ये पूरा मामला है, आपको काफी ज्यादा हैरान कर देगा। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसके जरिए हम आगे की भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेके आ पाए और आपको अपडेटेड रख पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। ये जो पूरा मामला हमारे सामने पटना के जनपुरी से आ रहा है, जनपुरी जिले से आ रहा है, जहां पर निवासी अख्तर इमाम 50 साल के जो है अख्तर इमाम वो रहते हैं। उनकी वो अभी 10 साल से अपने बीवी और बच्चों से अलग रह रहे हैं और उसी दौरान ही उनके साथ हाथी है। 12 साल की उम्र से ही वो हाथियों की सेवा करने लग गए थे। एक का नाम है हीरा और दूसरी जो है वो फीमेल हथनी है, और उस दौरान ही वो इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनका जो बेटा है, उन्होंने अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। अपनी जायदाद से बेदखल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को गलत रास्ते पे जाते हुए देखा, और उस दौरान ही उन्होंने अपनी जायदाद, जो आधी जायदाद थी, अपनी बेटी और अपनी बीवी के नाम पे कर दी। और आधी जायदाद जिसमें काफी सारी चीजें हैं, 5 करोड़ तक है, उन्होंने अपने नाम पे नहीं, उन्होंने हाथियों के नाम पे कर दी। ये जो पूरा मामला है, ये सुन के काफी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। आप लोगों ने सुना होगा कि केरल में एक अनानास, जो कि विस्फोटिक अनानास, एक हथनी को खिला दिया गया था, जिसके कारण 3 दिन वो नदी में खड़ी रही। ये जो मामला काफी ज्यादा गर्म अभी तक भी है, और उस दौरान ही जब ये मामला सामने आया हमारे, तो हमें लगा कि आप लोगों तक इंसानियत की भी कुछ ऐसी मिसालें पहुंचानी जरूरी है, और उस दौरान ही हम आपके सामने ये अख्तर इमाम का मामला लेके आ गए। अख्तर इमाम 10 साल से अपनी फैमिली के साथ दूर है, 12 साल से वो इन हाथियों की सेवा करते आ रहे हैं। उनका जो बेटा है, जिसको उन्होंने अपनी जायदाद से बेदखल किया है, इनकी कहानी काफी ज्यादा अलग है। उनके बेटे ने इनकी प्रॉपर्टी पाने के लिए अपनी ही गर्लफ्रेंड का रेप केस अपने बाप के ऊपर लगा दी, यानी कि अख्तर इमाम के ऊपर लगा दिया। हालांकि उनके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिले, जिसके कारण उनके ऊपर से ये केस हटा दिया गया। फिर उस दौरान ही उन्होंने हाथियों की, जो उनके पास हाथी है, उनकी तस्करी करने का भी सोचा, जो कि काफी ज्यादा ये डर गए थे, जिसके कारण उन्होंने ये चीज सोची कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी, जो कि वो हासिल करना चाहता है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी इन हाथियों के ही नाम पे कर देता है तो वो इसका कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसके कारण उन्होंने ये भी सब चीजें बोली है कि अगर इन हाथियों को कुछ होता है, या तस्करी करते हैं, इनके दांत निकालते हैं, इनकी चमड़ी निकालते हैं, ये इनको मार देते हैं, तो ये जो पूरा पैसा है जो कि हाथियों के नाम पे है, वो किसी संसदा में जाएगा, ना कि किसी उनके बेटे के नाम पे हो जाएगा। हम आपको बता दें कि पूरी जायदाद जो है इरावा संसदा में ट्रांसफर हो जाएगी अगर हाथियों को कुछ हुआ। ऐसे इतने बड़े मिसाल जो कि आपके सामने हम लेके आए हैं, तो इन अख्तर इमाम के बारे में कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए जरूर, कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।